आज हम सोल लैंड की आगे की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा टैंक्शन बिबडोंग के डोमेन से बाहर निकल गया था और उसके बाद सारे श्रेक डेविल्स हुहन हॉल के सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगे थे और साथ ही शू ने बियर डिमन को बहुत परेशान किया था, इसलिए वो बियर गुस्से से शू को मारने के लिए आगे बढ़ लिया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शू और डेमन बेयर को फाइट करते हुए देखते हैं। तभी वो डेमन बियर शू को ढूंढने लगता है। इस पर शू कहती है, बड़ा बेवकूफ डिंकू बालू, मैं यहाँ हूँ। यह कहकर शू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने मन में कहने लगती है, यह डेमन भालू बहुत ज्यादा हिंसक और क्रूर है। तभी हम देखते हैं शू उस पर अटैक कर देते हैं और कहती है, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो शू तुम्हें खाने के लिए मछली देगी। तभी शू अपनी सेवंथ सोल स्किल वुहुन एवटा को इस्तेमाल करती है और साथ ही अपनी क्लोनिंग सोल बोन सॉफ्ट बोन रैबिट क्लोन को यूज करती है और हम देखते हैं शू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और साथ ही शू की तरह ही कई सारे बाहर आ जाता है और कहती है, चलो बेवकूफ भालू, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तभी हम देखते हैं सारे क्लोन बालू पर अटैक कर देते हैं और सारे क्लोन्स बालू को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इस पर भालू को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। असली शू को ढूंढने के लिए बहुत जोर से जमीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा स्पॉट होता है और हम देखते हैं सारे क्लोन्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तभी उस बालू को असली शू मिल जाती है और हम देखते हैं वो अपनी असली फॉर्म में जाता है और शू पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए शू अपनी गोल्डन शील्ड इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से उसको ज्यादा चोट नहीं पहुँचते हैं। फिर से वो बालू पर अटैक कर देते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन उस बालू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जिस पर वह कहता है, छोटी लड़की, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं यह दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। डेमन बेयर शू पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। तभी शू अपनी सॉफ्ट बोन लॉक का इस्तेमाल करती है, मगर वो डेमन बेयर इसे अपने आप को छुड़वा लेता है और शू को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें पकड़ लिया, और उसको पकड़कर जमीन के ऊपर जोर से मारता है, मगर इसे शू को ज्यादा चोट नहीं पहुंचती है। फिर से डेमन बेयर शू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शू वहां से भागने लगती है और भागते समय अपनी सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करके वहां की सोल्जर्स को कंट्रोल कर लेती है, जिसे वो सारे सोल्जर प्यार में पागल हो जाते हैं और डेमन बेयर को पकड़ने लगते हैं, जिससे वो उन लोगों को मारने लगता है और कहता है, दूर हो जाओ। फिर भी वो सोल्जर्स इनको नहीं छोड़ रही होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी एक टेक्निक फ्लेमिंग मीटियर फॉल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ आसमान से ज्वालामुखी पत्थर गिरने लगते हैं। इसके वजह से सारे लोग मर जाते हैं और हम देखते हैं शू टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगती है, जिसे वो बियर फिर से शू पर अटैक कर देती है, मगर शू इससे बचकर दूर जाकर खड़ा हो जाती है और सिन शिफ्ट करके मार्शल जीलांग और मास्टर पर आ जाता है, जिस पर मार्शल जीलांग कहते हैं, हालांकि श्रेक सेवन डेविल्स ने स्पिरिट एम्पायर के पावर हाउस को वापस पकड़ लिया है, लेकिन वे दुश्मन सेनाओं के खिलाफ सीमित उपयोग के हैं। आगे कहते हैं, दुश्मन हमारे स्पिरिट अटैक रेंज में प्रवेश करने वाला है। तभी हम देखते हैं श्रेक डेविल्स बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। इस पर मास्टर कहते हैं, यह हमारे स्पिरिट एबिलिटी के हमले की सीमा में दुश्मन के प्रवेश करने की प्रतीक्षा करना है। तभी मास्टर टैंग आर्मी को ऑर्डर देते हैं, जिसे टैंग आर्मी के एक सोल्जर आसमान में एक फायर करता है, जिसे पगोड़ा क्लैन के चीफ निंग फंग जी और स्वॉर्ड मास्टर देख लेते हैं। तभी स्वॉर्ड मास्टर वहां से जाने लगता है और उसको निंग फंग जी अपनी सेवन ट्रेजर्स टर्न आउट ऑफ ल्यूली का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड मास्टर को सपोर्ट देने लगती है। तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड अंकल एक बहुत बड़ा तलवार को बनाते हैं, जिससे वो पूरी आर्मी पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ की सारे सोल मास्टर और उनकी सोल बिस्ट पूरी तरह से मारे जाते हैं। इसे देखकर बिबडोंग बहुत चिंता में पड़ जाती है। इस पर मार्शल जीलांग कहते हैं,
एक अच्छी तलवार ने पूरे ही सेना को उड़ा दिया है। इस तलवार ने फायर लेपर्ड सेक्ट के कम से कम 1000 सोल मास्टर को मार डाला है। यह कहने के साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। वी